सुधेर स्थित नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। सुधेर पंचायत के लोगों ने बागेश्वरी महिला मंडल के बैनर तले वन विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में साइट को जल्द स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिलाधीश कांगड़ा संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा और तुरंत डंपिंग साइट को उस स्थान से बदलने की मांग की। ज्ञापन में ये भी साफ किया गया कि यदि जल्द इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर सुधेड़ वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वन विभाग निगम के पूर्व उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस संदर्भ में एक माह पहले भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। मौजूदा समय में डंपिंग साइट से आने वाली बदबू से सुधेड़वासी परेशान हैं। यहां तक कि उनके यहां समारोह होने पर रिश्तेदार आते और तुरंत चले जाते। डंपिंग साइट में पूरी धर्मशाला का कचरा फेंकने का वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ लोगों को भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं। पठानिया ने कहा कि एक ओर तो जिला के अधिकारी स्वच्छता का पुरस्कार लेने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गंदगी से लोगों का बुरा हाल है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस अवसर पर शाहपुर के स्थानीय विधायक व शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक इस विभाग के मंत्री हैं और उन्हें स्वयं लोगों की समस्या पर संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है और जल्द कूड़े को हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह अंतिम बार ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो वह राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला उठाएंगे। बागेश्वरी महिला मंडल और सुधेड़ की तमाम पंचायत पिछले लगभग एक महीना पहले सभी महिला मंडल के सदस्य और इनके प्रधान यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि जो इन्होंने सुधेड़ पंचायत के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 14 वार्डों का जो गंदगी फैला के रखी है, और मैं पत्रकार मंडल का धन्यवाद करा आपने उस मामले को उठाया। और एक महीना पूरा प्रशासन ने और म्युनिसिपल कमिश्नर कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने महिला मंडल को दिया था, और यही नहीं महिला मंडल को ये चिट्ठियाँ इन्होंने लिखी कि इन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन के उसके बावजूद भी ये जो है सुधेड़ में आप अच्छे तरीके से देखते हैं किस तरीके, एक तरफ तो स्वच्छता का वो प्राइज लेने जिले के अधिकारी जा रहे हैं और दूसरी तरफ साथ लगती पंचायत। और मैं कहता हूँ अगर, क्योंकि मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने भी साइट विजिट की आज सुधेड़ में, जो वहाँ के लोगों का मैं कहता हूँ रहन सहन है, और मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने यही नहीं, जैसे तीन दिन पहले रिपोर्ट हुआ कि अब धर्मशाला कॉरपोरेशन में जितने भी अगर किसी कुत्ते की भी मौत हो जाती है तो वो वहाँ गिराया जाता है, और मैं कहता हूँ महामारी फैलेगी। आज हम जिलाधीश महोदय से ये अंतिम बार कष्ट करने आए हैं, हमने ये नहीं, न्यायालय ने भी सुमोटो लिया है। न्यायालय की चिट्ठी भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बागेश्वरी महिला मंडल की जिस दिन बैठक हुई थी उसने निर्णय लिया था कि हम ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी ये सुमोटो लिया, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का वो हल करें। आज हम रिक्वेस्ट करने आए हैं जिलाधीश महोदय की जल्दी से जल्दी वो इंटरवीन करें, और जहां इनकी साइट है, इन्होंने पिछली बार जब ये मिले थे उन्होंने कहा था कि हम साइट की सिलेक्शन कर रहे हैं, उस साइट को जल्दी से जल्दी उस गंदगी वहां से खत्म करें। वो ग्राम पंचायत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है, और बड़े बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वहां के जो हमारी आदरणीय विधायिका है वो इस महकमे की मंत्री भी है, उसको तो बजाय इसके कि ज्ञापन सुमोटो खुद ही लेना चाहिए था। और आज हम अंतिम बार महिला मंडल जो है वो आया नहीं तो हम NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हम जो है आज जो हम आज ज्ञापन देंगे उसकी कॉपी जो है हम भेजने जा रहे हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगर बागेश्वरी महिला मंडल के लिए हाईकोर्ट ने जो सुमोटो लिया है और जो NGT के पास हमने अपना प्रस्ताव ग्राम पंचायत सुधेड़ का रखना है, अगर हमारे को एडवोकेट भी करना पड़ा तो मैं फ्री का एडवोकेट जो बागेश्वरी महिला मंडल को दूंगा। और हम आज ये आश्वासन लेकर जाना चाहते हैं DC साहब से, क्योंकि उन्होंने एक महीने पहले हमारे को आश्वासन दिया, तो वो हम आज एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्ञापन के द्वारा जो है इनको हम रिमाइंडर देने आए हैं।